हेलो फ्रेंड्स, मरमान सर आपको स्वागत करुच्ची नॉइज ओडिशा एक निरा कार्यक्रम कुनी कलाकार विथ अरमान सर एक नया एपिसोड। आज आम भेटा एमती एक कुनी कलाकार सहित जे गीत बोलने सहित चित्र कह पारे भी माहिर से होती आयुष अंशुमान महापात्र। आसतु भेटा गच्छलता बण पहाड़ तेपा देवी ओ भड़ी की भड़ी पशुपक्षी सब किछि अति निखुण भाव कुनी हाथ में पेंसिल ओ रंग तुणी साधा कागज टी अति सुंदर भाव सजे हुए कुनी हाथ स्पर्शे खाली से नुहे बड़का समयटी कम लगे पेपर कटिंग करी या हुए सुंदर सुंदर क्राफ्ट सबू आउ तासह कुनी ओठरु झरी पड़े मीठा मीठा गीत सबू खेरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। पाठ पढ़ीबा सह जारी रहे विधिवत भावरे संगीत कुनी कलाकार यही एपिसोड रे आमर अतिथि मल्टी टैलेंटेड आयुष अंशुमान महापात्र बयस 6 वर्ष पिता विष्णुप्रसाद महापात्र ओ माता सुश्री प्रियदर्शिनी मिश्रांकर एकमात्र सुपुत्र। आयुष अंशुमान इच्छा से बड़ हो जड़े आगधाड़ी कंठशिल्पी होगा सह जड़े भल साइंटिस्ट हे भगवान तंकर सब इच्छा पूरण करतु से आग को जातु यह ही कुनी कलाकार टीम रो प्रभु जगन्नाथ निकट रे कामना। हाय आयुष। हाय अरमान भाई। अच्छा आयुष केमती अच्छा? मु पूरा परफेक्ट अछि। आस बस के कथा हबा। आयुष तुमको आम शो को स्वागत। थैंक यू भाई। एबे कोरोना टाइम रे स्कूल तो बंद तुम ए कौन कर घर से गीत गाँचे ऑनलाइन क्लास कर ड्राइंग करमती सब चल भाई मतलब कथा कह तुम कौ क्लास पढ़ु स्टैंडर्ड 1 तुम स्कूल ना कौन डीएवी पब्लिक स्कूल निमापड़ा। आम जानू तुम बहुत भले गीत भी गाओ। अच्छा गोटे गाइल खेरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है ते मेरा होना तुम्हें है मेरा जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है ये दूरियां फिलहाल है। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। वाव क्या बात है। तुम संगीत गुरु की बापी सर। अच्छा मत गोटे कथा कह तुम कत समय गीत प्राक्टिस कर और कत समय पाठ पढ़ सका अध घंटा गीत प्राक्टिस करे रात 2 घंटा पाठ पढ़े। आम जानू तुम बहुत भल चित्र भी अंक तुम कत समय चित्र प्राक्टिस कर 1 आवर आम को तुम ड्रइंग किसी देखाओ। हाँ देखा
ନିଅ ସବୁ ଅଛି। ୱାଓ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ତାଠୁ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ୱାଓ, ତମ ଡ୍ରଇଂ ଗୁରୁ କିଏ? ସାରଦା ସାର। ଓକେ, ତମେ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। ୱାଓ, ତମ ଆଇଡଲ୍ କିଏ? ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ। ଗ୍ରେଟ୍, ୱାଓ। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ମନା ନାହିଁ? ହଁ, ଟିକେ ଟିକେ। ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା ଅଛି, ଆସ ଚୁପଚାପ କହିଦିଅ। ତମେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ କିଏ ବାଡ଼ାନ୍ତି, ବାପା ନା ମାମା? ବାବା। ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଦେଲେ? ଉଲ୍ଲୁ ବନାୟା ବଡ଼ ମଜା ଆୟା, ଉଲ୍ଲୁ ବନାୟା ବଡ଼ ମଜା ଆୟା। ଆଚ୍ଛା, ଗୀତ ଓ ଆର୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋର ଆଉ କ'ଣ ହବି ଅଛି? ସାଇକ୍ଲିଂ କରିବା, କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖିବା, ପେପର୍କୁ କଟିଂ କରିକି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ବନେଇବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଖାଇଦିଅ, ତାପରେ କଥା ହେବ। ଚାଲ ଭାଇ ଖାଇବା। ଆଣ୍ଟି ପ୍ରଣାମ। ଆୟୁଷ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆୟୁଷ କଥା ମାନେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଲେ କଥା ଶୁଣେ। ପେପର୍ କାଟିକି ତାକୁ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାକୁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ପଜଲ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ, ପଜଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଖଞ୍ଜିକି ଭଲ ନୂଆ ନୂଆ ଘର ରୋବୋଟ୍ ସବୁ ତିଆରି କରେ, ସେ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଘରକୁ ଯିଏ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବା କଥା ଯେମିତି ଦିଏ। ଅଙ୍କଲ ପ୍ରଣାମ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛି। ଆୟୁଷ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ? ନା, ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏନି। ସେ କେମିତି ପେଣ୍ଟ କରେ? କରେ ଭଲ। କେମିତି ପାଠ ପଢ଼େ? ଠିକ୍ଠାକ୍। କେମିତି ଗୀତ ଗାଏ? ଗୀତ ବି ଠିକ୍ ବୋଲେ। ସାର୍ ପ୍ରଣାମ, ଆପଣ ଆୟୁଷକୁ ଗୀତ ଶିଖାନ୍ତି? ହଁ। ସେ କେତେ ଦିନ ଗୀତ ଶିଖିଲାଣି? ସେ 2-3 ମାସ ହେଲା ଗୀତ ଶିଖିଲାଣି। ସେ କେମିତି ଗୀତ ଗାଏ ଓ ତା ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଅଛି? ଭଲ ଭଏସ୍ଟି ତା'ର, ଭଲ ଭଲ ଗାଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆଶା ଅଛି ଭଲ କଳାକାରଟେ ହେଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସୋର ଗୋଟେ ମଜାମସ୍ତ ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ର୍ୟାପିଡ୍ ରାଉଣ୍ଡ। ଏଥିରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପଚାରିବି, ତୁମେ ତା'ର ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ। ଫେଭରେଟ୍ କଲର୍ ରେଡ୍। ଫେଭରେଟ୍ ଟିଚର୍ ଅନୁ ମ୍ୟାମ୍। ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ପୁରୀ। ମାଇ ଅଲ୍ସୋ ଫେଭରେଟ୍। ଫେଭରେଟ୍ ସିଙ୍ଗର୍ ଅରିଜିତ ସିଂ। ଫେଭରେଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ। ୱାଓ। ଫେଭରେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏ ଆଦିତ୍ୟନ୍ସ ଗୁଡ଼। ଆଜି ଏବେ ଆମେ ଆମ ଶୋକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ କୁନି କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।